एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमएस स्टडी फॉर सीबीएसई पैटर्न। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 5 सब्ट्रैक्शन एंड द टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? वी कैन नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ नंबर्स इन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जो ऑर्डर्स होते हैं नंबर्स के वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे ए माइनस बी दिया हो, उसको हम बी माइनस ए करें तो इनका आंसर सेम नहीं आएगा। ठीक है, दिस इज बिकॉज वी ऑलवेज सब्ट्रैक्ट अ स्मॉलर नंबर फ्रॉम अ ग्रेटर नंबर। इसीलिए हम हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को ही माइनस करते हैं। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी है, व्हेन अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ द डिफरेंस ऑब्टेंड इज जीरो। यानी कि जब भी हम किसी नंबर को उसी में से ही सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर हमेशा जीरो आता है। जैसे 83 में से 83 माइनस किया तो जीरो आया। 549 में से 549 को माइनस करेंगे तो भी जीरो आएगा। 8456 में से 8456 को माइनस कर देंगे तो भी जीरो ही आएगा। ठीक है, उसके बाद है आपकी थर्ड प्रॉपर्टी, व्हेन जीरो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर। जब भी हम किसी नंबर में से जीरो को माइनस करते हैं द डिफरेंस इज द नंबर इटसेल्फ। वापस वही नंबर उसका आंसर बन जाता है। जैसे 67 माइनस जीरो करेंगे तो 67 आएगा। 801 में से जीरो माइनस करेंगे तो 801 आ जाएगा। 9632 में से जीरो माइनस करेंगे तो 9632 वापस आ जाएगा। अब आ जाइए एक्सरसाइज 12 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, हाउ मच इज 7005 ग्रेटर देन 5849। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 7005 में से माइनस करना पड़ेगा 5849 को। ठीक है, तो यहाँ पे 5 में से 9 नहीं जा सकता, बोरो करना पड़ेगा यहाँ से, बट इसके पास कुछ नहीं है तो इसके पास से बोरो करेंगे, इसके पास भी कुछ नहीं है तो यहाँ से बोरो करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा 10। फिर ये इसको बोरो दे देगा तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। उसके बाद ये इसको दे देगा तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 15। 15 में से 9 जाएगा तो 6, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 9 में से 8 जाएगा 1 और 6 में से 5 जाएगा तो भी 1। ठीक है, ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाउ मच इज 3768 लेस देन 5012। तो 5012 बड़ा है यहाँ पे, 5012 में से 3768 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2 में से 8 नहीं जा सकता, यहाँ से बोरो करेंगे हो जाएगा आपका 0 और ये 12 में से 8 जाएगा तो 4 आएगा। अब 0 में से 6 नहीं आ सकता, यहाँ से बोरो करेंगे बट इसके पास कुछ नहीं है, इससे बोरो लेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 10। फिर यहाँ से बोरो लेंगे तो ये 9 और ये 10। अब 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। 9 में से 7 जाएगा तो 2 और 4 में से 3 जाएगा तो 1। ठीक है, यानी कि 1244 कम है 5012 से। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए, द सम ऑफ टू नंबर इज 8324 इफ वन ऑफ द नंबर इज 5896 व्हाट इज द अदर नंबर। तो सम ऑफ टू नंबर्स लिख लेते हैं पहले, एट थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फोर, उसके बाद वन ऑफ द नंबर फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड नाइन्टी सिक्स। ठीक है, इनको हम आपस में माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, अदर नंबर। ठीक है, इनको माइनस कर लेते हैं। तो फोर में से सिक्स नहीं आ सकता, यहाँ से बोरो करेंगे हो जाएगा वन और ये 14 में से 6 जाएगा तो 8। अब 1 में से 9 नहीं आ सकता, यहाँ से बोरो करेंगे ये 2 हो जाएगा और ये 11। 11 में से 9 जाएगा 2। अब 2 में से 8 नहीं आ सकता, यहाँ से बोरो करेंगे हो जाएगा 7 और ये 12। 12 में से 8 जाएगा तो आ जाएगा आपका 4 और 7 में से 5 जाएगा तो आ जाएगा 2। ठीक है, तो अदर नंबर हमारा क्या निकला, 2428। क्वेश्चन नंबर 4,
What must be added to 5679 to get 9123? तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे 9123, और इसमें से छोटा वाला नंबर जो है वो माइनस कर देंगे, 5679 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 में से 9 नहीं आ सकता, यहाँ से बोरो करेंगे ये 1 हो जाएगा और ये 13, 13 में से 9 जाएगा 4, अब 1 में से 7 नहीं आ सकता, यहाँ से बोरो करेंगे हो जाएगा 0 और ये 11, 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 4, ठीक है। अब 0 में से 6 नहीं आ सकता, यहाँ से बोरो करेंगे हो जाएगा 8 और ये 10, 10 में से 6 जाएगा 4 और 8 में से 5 जाएगा तो 3, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 3444 मस्ट बी एडेड टू 5679 टू गेट 9123, ओके। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। What number must be subtracted from 6314 to get 4869? तो यहाँ पे आपका 6314 बड़ा है, इसमें से माइनस कर देंगे 4869 को, माइनस करके हमारा आंसर देखते हैं क्या आता है। 4 में से 9 नहीं आ सकता तो यहाँ से बोरो करेंगे हो जाएगा 0 और ये 14, 14 में से 9 जाएगा 5, अब 0 में से 6 नहीं आ सकता, यहाँ से बोरो करेंगे हो जाएगा 2 और ये 10, 10 में से 6 जाएगा 4, अब 2 में से 8 नहीं आ सकता, यहाँ से बोरो करेंगे ये हो जाएगा आपका 5 और ये 12, 12 में से 8 जाएगा 4 और 5 में से 4 जाएगा तो 1, क्या लिखेंगे 1445 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6314 टू गेट 4869, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 2895। इफ द लार्जर नंबर इज 8560, फाइंड द स्मॉलर वन। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, पहले ये नहीं, पहले लिखेंगे हम लार्जर नंबर, क्योंकि बड़ा नंबर हमें पहले लिखना है। लार्जर नंबर इक्वल्स टू 8560, ठीक है, फिर डिफरेंस ऑफ नंबर्स। इनको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा स्मॉलर नंबर, जीरो में से 5 नहीं आ सकता, बोरो करना पड़ेगा, यहाँ से करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये 10, 10 में से 5 जाएगा 5, अब 5 में से 9 नहीं आ सकता, यहाँ से बोरो करेंगे ये हो जाएगा 4 और ये 15, 15 में से 9 जाएगा तो 6, उसके बाद 4 में से 8 नहीं आ सकता, यहाँ से बोरो करेंगे ये जाएगा 7 और ये 14, 14 में से 8 जाएगा तो 6 और 7 में से 2 जाएगा तो 5, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्मॉलर नंबर आ गया 5665। क्वेश्चन नंबर 7, देयर आर 3250 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, इफ 1867 ऑफ देम आर बॉयज, हाउ मैनी आर गर्ल्स। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल इक्वल्स टू 3250, इसके बाद नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 1867, टोटल स्टूडेंट में से नंबर ऑफ बॉयज माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएंगी नंबर ऑफ गर्ल्स, तो माइनस करते हैं, जीरो में से 7 नहीं आ सकता, यहाँ से बोरो करेंगे ये हो जाएगा 4 और ये 10, 10 में से 7 जाएगा 3, अब 4 में से 6 नहीं आ सकता, बोरो करना पड़ेगा ये हो जाएगा 1 और ये 14, 14 में से 6 जाएगा तो 8, अब 1 में से
एट नहीं आ सकता, यहाँ से बोरो करेंगे टू और ये इलेवन, इलेवन में से एट जाएगा तो थ्री, और टू में से वन जाएगा तो वन, तो नंबर ऑफ गर्ल्स आ गई आपकी 1383। अब क्वेश्चन नंबर एट देखिए, 3506 पर्सन विजिटेड द जू ऑन हॉलीडे, आउट ऑफ दिस 1738 वर अडल्ट्स, हाउ मैनी चिल्ड्रेन विजिटेड द जू दैट डे। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, टोटल पर्सन विजिटेड द जू इक्वल्स टू 3506। अब इसमें हमें दे रखे हैं नंबर ऑफ अडल्ट्स, यानी कि बड़े लोग कितने थे उसमें, 1738। माइनस करेंगे यहाँ पे तो जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। ठीक है, तो सिक्स में से एट नहीं आ सकता, बोरो करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इससे बोरो करेंगे पहले तो ये जाएगा फोर और ये टेन, तो यहाँ से बोरो करेंगे तो ये नाइन और ये सिक्सटीन। अब सिक्सटीन में से एट जाएगा तो एट, नाइन में से थ्री जाएगा तो सिक्स, अब फोर में से सेवन नहीं आ सकता, यहाँ से बोरो करेंगे टू और ये फोर्टीन, फोर्टीन में से सेवन जाएगा सेवन, टू में से वन जाएगा तो वन, यानी कि 1768 चिल्ड्रन थे जू घूमने वाले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नाइन पे आ जाइए, इसमें आपको दे रखा है देयर वर 4312 बैग्स ऑफ सीमेंट इन अ गोडाउन, एक गोडाउन में 4312 बैग्स थे सीमेंट के, इफ 3425 बैग्स वर सोल्ड आउट, हाउ मेनी बैग्स वर लेफ्ट इन द गोडाउन। तो नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स इन गोडाउन, इक्वल्स टू 4312, फिर नंबर ऑफ बैग सोल्ड आउट, थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड ट्वेंटी फाइव, इनको हम आपस में माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, बैग्स वर लेफ्ट इन गोडाउन, ठीक है। तो अब टू में से फाइव नहीं आ सकता, बोरो करना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका जीरो और ये ट्वेल्व, ट्वेल्व में से फाइव जाएगा सेवन, अब जीरो में से टू नहीं आ सकता, यहाँ पे आ जाएगा आपका टू और ये टेन, टेन में से टू जाएगा एट, अब टू में से फोर नहीं आ सकता, यहाँ से बोरो करेंगे थ्री और ये ट्वेल्व, ट्वेल्व में से फोर जाएगा एट और थ्री में से थ्री जाएगा जीरो, यानी कि नंबर ऑफ बैग्स कितने बच गए गोडाउन में, 887। क्वेश्चन नंबर टेन, देयर वर 6205 चिकन्स इन अ पोल्ट्री फार्म, ड्यू टू सम डिजीज 1429 चिकन्स डाइड, हाउ मेनी वर लेफ्ट। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ चिकन्स इन अ पोल्ट्री फार्म, सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड फाइव, फिर नंबर ऑफ चिकन्स डाइड ड्यू टू डिजीज, वन थाउजेंड फोर हंड्रेड ट्वेंटी नाइन। ठीक है, इनको हम माइनस करेंगे आपस में तो क्या जाएगा, नंबर ऑफ चिकन्स लेफ्ट। ठीक है, अब फाइव में से नाइन नहीं जा सकता, बोरो करना पड़ेगा, इसके पास कुछ नहीं तो यहाँ से बोरो करेंगे जाएगा वन और ये टेन, फिर यहाँ से बोरो करेंगे तो ये नाइन और ये फिफ्टीन, फिफ्टीन में से नाइन जाएगा सिक्स, नाइन में से टू जाएगा तो सेवन, अब वन में से फोर नहीं आ सकता तो यहाँ से बोरो करेंगे फाइव और ये इलेवन, इलेवन में से फोर जाएगा तो सेवन और फाइव में से वन जाएगा तो फोर, 4776 चिकन्स बच गए हैं। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे, अ कारपेंटर परचेज्ड 5014 नेल्स, ही यूज 4725 ऑफ देम, हाउ मेनी नेल्स वर लेफ्ट विद हिम।
तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ नेल्स, टोटल नंबर ऑफ नेल्स इक्वल्स टू 5014। उसके बाद नंबर ऑफ नेल्स यूज्ड इक्वल्स टू 4725। माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ नेल्स लेफ्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे 4 में से 5 नहीं आ सकता, बोरो करना पड़ेगा, ये जगह 0 और ये 14, 14 में से 5 जाएगा तो 9। अब यहाँ 0 में से 2 नहीं आ सकता तो यहाँ से बोरो लेंगे, अब इसके पास भी कुछ नहीं है तो यहाँ से पहले बोरो लेंगे, ये जाएगा 4 और ये 10, और यहाँ से बोरो करेंगे तो ये 9 और ये 10, 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 7 जाएगा 2 और 4 में से 4 जाएगा तो 0, यानी कि 289 नेल्स बची हुई है कारपेंटर के पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, मिस्टर रमन हैड 9213 इन हिज बैंक अकाउंट, ठीक है। मिस्टर रमन के पास 9213 यानी कि 9213 रुपीज उनके बैंक अकाउंट में थे। ही विड्रू रुपीज 7435, जिसमें से उन्होंने 7435 निकाल लिए। हाउ मच मनी हैज ही इन द बैंक नाउ, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मिस्टर रमन हैड 9213 when he withdrew money, इनको आपस में माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, मनी हैज ही He has money left in bank account, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 में से 5 नहीं आ सकता, बोरो करना पड़ेगा, ये जाएगा 0 और ये 13, 13 में से 5 जाएगा तो 8, उसके बाद 0 में से 3 नहीं आ सकता, यहाँ से बोरो करेंगे, ये हो जाएगा 1 और ये 10, 10 में से 3 जाएगा 7, अब 1 में से 4 नहीं आ सकता, यहाँ से बोरो करेंगे 8 और ये 11, 11 में से 4 जाएगा तो 7 और 8 में से 7 जाएगा तो 1, यानी कि 1778 रुपीस बैंक में बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, उमा नीड्स रुपीस 5108 टू बाय अ सिल्वर चेन, ठीक है। एक सिल्वर चेन खरीदने के लिए उमा को 5108 रुपीस की जरूरत है। She has rupees 3289 with her, जिसमें से उसके पास 3289 है। How much more does she need, और कितने रुपए उसे चाहिए, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, Uma needs to buy a silver chain, Uma needs money to buy a silver चेन इक्वल्स टू 5108। शी हैज मनी विद हर इक्वल्स टू 3289। माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, शी नीड मोर मनी, ठीक है। तो 8 में से 9 तो जा नहीं सकता है तो बोरो करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो इससे बोरो करेंगे, ये हो जाएगा आपका 0 और ये 10, फिर 10 में से बोरो करेंगे तो 9 और ये हो जाएगा 18, 18 में से 9 जाएगा तो 9, 9 में से 8 जाएगा तो 1, उसके बाद 0 में से 2 नहीं आ सकता, यहाँ से बोरो करेंगे 4 और ये 10, 10 में से 2 जाएगा 8, 4 में से 3 जाएगा तो 1, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए, द टोटल कॉस्ट ऑफ अ स्विंग मशीन एंड अ साइकिल, यानी कि स्विंग मशीन और साइकिल की कॉस्ट आपको यहाँ पे दे रखी है 3720। द स्विंग मशीन कॉस्ट रुपीज 1975, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द साइकिल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ स्विंग मशीन एंड साइकिल, टोटल
3720, ठीक है। इसके बाद यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ श्रिंक मशीन 1975। इनको आपस में माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ अ साइकिल। तो जीरो में से फाइव नहीं आ सकता, यहाँ से बोरो करेंगे ये हो जाएगा आपका वन और ये टेन, टेन में से फाइव जाएगा फाइव, ठीक है। अब वन में से सेवन नहीं आ सकता, यहाँ से बोरो करेंगे हो जाएगा सिक्स और ये इलेवन, इलेवन में से सेवन जाएगा फोर। अब सिक्स में से नाइन नहीं आ सकता, यहाँ से बोरो करेंगे हो जाएगा टू और ये सिक्सटीन, सिक्सटीन में से नाइन जाएगा तो सेवन और टू में से वन जाएगा तो वन। यानी कि साइकिल की कॉस्ट कितनी है 1745। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका एट अ सर्टेन एग्जामिनेशन, यानी कि एक एग्जाम में 8320 स्टूडेंट्स अपियर्ड, इतने स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं। आउट ऑफ दिस 6548 कुड गेट थ्रू, यानी कि जिसमें से 6548 पास हो गए हैं, तो हाउ मैनी फेल। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियर्ड इन एग्जाम, एट थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कुड गेट थ्रू या फिर गेट पास 6548, माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स। जीरो में से एट नहीं आ सकता, बोरो करना पड़ेगा, ये जाएगा वन और ये टेन, टेन में से एट जाएगा टू। अब वन में से फोर नहीं आ सकता, तो यहाँ से बोरो करेंगे टू और ये इलेवन, इलेवन में से फोर जाएगा तो सेवन। अब टू में से फाइव नहीं आ सकता, यहाँ से बोरो करेंगे सेवन और ये ट्वेल्व, ट्वेल्व में से फाइव जाएगा तो सेवन और सेवन में से सिक्स जाएगा तो वन। यानी कि 1772 स्टूडेंट्स फेल्ड हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मिस्टर मेहता कवर्ड अ जर्नी ऑफ 2315 किलोमीटर्स, ठीक है। इतनी जर्नी मिस्टर मेहता ने कवर कर ली, ही ट्रेवल्ड 1986 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रेस्ट बाई बस, वट डिस्टेंस डिड ही कवर बाई बस। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मिस्टर मेहता कवर्ड डिस्टेंस, टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड फिफ्टीन, फिर मिस्टर मेहता कवर्ड डिस्टेंस बाई ट्रेन, ट्रेन से कितना डिस्टेंस कवर किया है 1986, इनको माइनस कर देंगे तो बचा हुआ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, ठीक है। तो फाइव में से सिक्स नहीं आ सकता, यहाँ से बोरो करेंगे जाएगा जीरो और ये फिफ्टीन, फिफ्टीन में से सिक्स जाएगा नाइन। अब जीरो में से एट नहीं आ सकता, यहाँ से बोरो करेंगे ये जाएगा टू और ये टेन, टेन में से एट जाएगा टू और टू में से नाइन नहीं आ सकता, यहाँ से बोरो करेंगे ये हो जाएगा वन और ये ट्वेल्व, ट्वेल्व में से नाइन जाएगा थ्री और वन में से वन जाएगा जीरो। यानी कि डिस्टेंस जो है वो बस से कितना कवर किया गया है 329 किलोमीटर का, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जब तक मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आती हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।